ओम शांति। आज की तारीख 10 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने कहा, बच्चों अगर श्रेष्ठ बनना है तो मेरी मत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। बाबा ने कहा कि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। आज का गीत, नैन हीन को राह बताओ। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य दोसार, पहला पॉइंट, बाबा ने कहा, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है, पवित्र बनो और पवित्र दुनिया के मालिक बनो। दूसरा पॉइंट, हर एक को तीन बाप का परिचय दे, यानी पारलौकिक बाप, अलौकिक बाप और लौकिक बाप। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। दुख धाम कलयुग, शांति धाम परम धाम और सुख धाम यानी स्वर्ग में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर वन विजयी भव। बाबा ने डिटेल समझाई, नंबर वन की निशानी है हर बात में विन करने वाले। विजय प्राप्त करने वाले, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि
चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादा में नीचे ऊपर होना। बाबा ने कहा, यदि चलते चलते हमारी कभी हार होती है तो उसका मुख्य कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे। बाबा ने कहा, यदि हम इसी स्मृति में रहते हैं तो हम उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। आज का स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति।